ज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो मैं सुबह सुबह जो है ना ये गार्डन में आई थी हमारे जहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं वेजिटेबल्स लगी हुई है और ये बनाना का एक प्लांट लगा हुआ है पे बनाना आने स्टार्ट हो चुके हैं तो कुछ ही टाइम में हमें बहुत सारे जो बनानाज है वो खाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं जो भी स्टार्ट हो चुकी है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई है इसके बाद मैं फ्रेशन अप हो चुकी थी बिकॉज आज मुझे जो है ना मॉक टेस्ट भी देना था बिकॉज मैं वीक में एक या दो मॉक टेस्ट देना प्रेफर करती हूँ वो भी ऑफलाइन मोड में बिकॉज ऑफलाइन मोड में क्या है ना हमें ओ एम आर शीट पर देने की प्रैक्टिस हो जाती है बिकॉज़ एट दी एंड ऑफ द डे तो हमें जब एग्ज़ाम देना है तो वो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम है जिसमें हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक ऑफलाइन एग्ज़ाम को किस तरीके से हम दें ओ एम आर शीट हम किस तरीके से फिल करें तो आप अलग अलग तरीके से घर पे पहले ट्राई कर ले ताकि एग्जाम में आपको सीधा ओ एम आर फेस करने को ना मिले कि आप पहले क्वेश्चन टिक करें फिर ओ एम आर फिल करें जिस भी तरीके से आपको सूट करता है आप उस तरीके से पहले कर सकते हैं आपको कौन सा पोर्शन पहले करना है जैसे कि मैं जो है ना बायोलॉजी पहले करना प्रेफर करती हूँ और उसके बाद में मैं आ, मतलब बायोलॉजी में भी बॉटनी देन जूलॉजी और उसके बाद में मैं में मेरा आ, केमिस्ट्री करती हूँ एंड देन मैं फिजिक्स सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करती हूँ बिकॉज फिजिक्स में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो आपको जैसे भी जिस भी हिसाब से अच्छा लगे ना आप उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना मेरे हिसाब से इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है और यार जैसे ये मॉक टेस्ट देना जरूरी है ना वैसे एक और टेस्ट है जो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसकी बात मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी की थी जो कि है अनसेट यानी कि अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इस टेस्ट में ना बहुत सारे बेनिफिट्स है बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है सो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट के बाद टॉप रैंकर्स जो होंगे ना उन्हें अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पर हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी इतना ही नहीं अन अकेडमी के स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में उन्हें पढ़ने का मौका भी मिलेगा जहाँ पर अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स सभी नीट एक्सपीरियंस को नीट रैंकर बनने के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और कुछ लकी विनर्स को अन अकेडमी की तरफ से यूरो स्पेस सेंटर घूमने का मौका भी मिलेगा सो so, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना ये एटथ अक्टूबर और फिफ्टीथ अक्टूबर को होने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में ये टेस्ट होने वाला है सो so, जो भी आपको सूटेबल लगे ना आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो अगर आपके सिटी में अगर ऑफलाइन सेंटर है तो मैं कहूँगी कि आप ऑफलाइन जाके ये टेस्ट दो लेकिन अगर आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है जैसे कि मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो इसे ऑनलाइन ही फिल किया था और यार सबसे अच्छी बात है ना इस टेस्ट को क्लास नाइन से लेके ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट प्लस नीट जेई के ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये टेस्ट सिक्सटी मिनट का होगा जिसमें सिक्सटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो नाइन्टी नाइन रुपीज़ है लेकिन अगर आप जो लिंक मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप अगर क्लिक करके मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ टेन मैड यानी कि टेन एम ई डी तो आपको इंस्टेंटली टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यानी कि ये पूरा जो एडमिशन का जो आपको फॉर्म है ना ये आपको एटी नाइन रुपीज़ में लेगा तो यार ये याराइन रुपीज इतना अच्छा जो मौका है ना आई थिंक आपको ये जो छोड़ना नहीं चाहिए सो so यार जल्दी से बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है हूँ हु। और हां सिलेबस भी वहीं पे होगा सो सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर करके ये टेस्ट देना एंड डेफिनेटली आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा हो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यार अभी मॉक टेस्ट देते हुए ना मैंने जो टाइमर है ना वो यूज़ नहीं किया बिकॉज अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में बट मैं एट द एंड ये चाहती हूँ कि मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ अभी ये मेरी जो है ना मॉक टेस्ट के बजाय क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा है सो so मैं प्रेफर कर रही हूँ कि पहली बार तो मैं सारे क्वेश्चन कर रही हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैंने टाइमर यूज़ ही नहीं किया तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना अगर मुझे नहीं भी आता तो बाद में उसको देखूँ और अभी जितने भी मैं देख रही हूँ कि मुझे कितना परसेंट पेपर आता है एटलीस्ट या फिर मैं कितना परसेंट से एक्यूरेसी से वो पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ बिकॉज एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एट दी एंड जो नेगेटिव मार्किंग है उससे मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है ना प्रीवियस ईयर में कटे हैं तो मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे जो नेगेटिव uh, मार्किंग से जो मार्क्स कटते हैं ना वो कटें इसलिए जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा वो मैं छोड़ दूंगी लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितने भी क्वेश्चन मुझे आते हैं एटलीस्ट वो मैं करूँ और ओ एम आर फीलिंग में ना जैसे मिस्टेक मेरी हमेशा होती है ना इस बार भी हुई यानी कि मैं ना uh, कई बार क्या होता है आप पहले मार्क कर देते हो कि ए है ऑप्शन फिर ध्यान था नहीं नहीं यार बी ऑप्शन होना चाहिए जो कि गलत है बिकॉज जब आप ओ आपकी जो चेक होती है ना उसमें वो क्वेश्चन पूरा का पूरा कैंसिल होकर वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है जैसे इस क्वेश्चन में पहले मैंने ए फिल किया फिर मुझे याद आया नहीं यार डी होना चाहिए और इसमें भी बी की जगह फिर सॉरी डी की जगह मैंने बी फिल कर दिया तो इस तरीके से मिस्टेक है ना ओ में ये हो जाती है और इसीलिए जो है ना मोकटेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो होती रहती है उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और जिसमें मम्मा ने जो है ना सैंडविच बनाए थे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद है ना मैंने मेरा जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है ना वो स्टार्ट कर दिया जो कि है डाइजेशन वाला जो चैप्टर है ना वो मैं कर रही हूँ इसी के साथ मैं वाइट नॉइस सुनती हूँ स्टडी के टाइम पे बेसिकली वाइट नॉइस क्या रहता है ना कि थोड़ा भी जो भी दिन में डिस्टरबेंस होती है ना बिकॉज़ अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट होता है लेकिन दिन में क्या है थोड़ा सा बाहर गली में भी शोर होता है घर पर भी थोड़ा बहुत शोर रहता है तो इस वजह से वाइट नॉइस अगर आप यूज़ uh, करते हैं ना तो आपको एक्स्ट्रा साउंड सुनाई नहीं देता या फिर आप कोई भी पीसफुल म्यूज़िक भी सुन सकते हो गाने नहीं सुनने हैं बिकॉज़ फिर ध्यान गानों में चला जाएगा पीसफुल म्यूज़िक जो होते हैं ना जो मेडिटेशन के टाइम में यूज़ होते हैं उस तरीके का आप म्यूजिक सुन सकते हो जिससे आपका जो माइंड है ना वो एकदम काम हो जाएगा और सिर्फ आप जो स्टडी कर रहे हो ना आप उसी पे फोकस करोगे बहुत सारे वाइट नॉइस अवेलेबल हैं कोई भी प्लेटफॉर्म से आप सुन सकते हो उसे यार ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कोई शेयर नहीं करता बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि uh, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है घर पर अभी जो त्योहारों का टाइम आने वाला है तो ये भी होने वाला है तो आप इस तरीके से सुन सकते हो दोनों कानों में ईयरफोन लगा लो या एक कान में ईयरफोन लगा लो और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो एक्स्ट्रा नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगी चाहे कोई दूसरे रूम में टीवी चल रहा है या कुछ भी हो रहा है और ये चैप्टर है ना ये चैप्टर जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है एन में इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिए हुए हैं कुछ चीज़ें मिसिंग भी है जो मैंने ना इसी में साइड में लिख लिया जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो एन के जो साइड वाले पेजेस होते हैं ना उसका मैं यूज़ करती हूँ सो ये चैप्टर जो है मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था बिकॉज uh, मैं सुबह ऑलमोस्ट जो है ना साढ़े सात बजे थी और अभी जो जो है ना मुझे ये करते करते दोपहर हो चुकी थी ऑलमोस्ट और ये देखिए आप ना जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे एडीनो वायरस का हो गया या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन का हो गया या फिर कुछ भी पॉइंट जो मुझे लेक्चर के टाइम पे एक्स्ट्रा लगते हैं या फिर जैसे इस यहाँ पे मेडिसिन के, के नीचे रखते हैं ड्यूरिंग द हार्ट अटैक वो माउथ में मेंब होती है तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना आप यहाँ पे एन में लिख सकते हैं इसके बाद मैंने खाना जो है ना वो बाहर से ऑर्डर कर दिया था बिकॉज मम्मा और सब सफाई वगैरह में लगे हुए थे जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे घर पर दिवाली की सफाई चल रही है सो मैंने बाहर से कुछ ठूस लिया उसके बाद जो है ना मैंने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया केमिस्ट्री में बेसिकली मैं नोट्स का रिविज़न ही कर रही हूँ यहाँ पर और अभी मैं मेरी इलेक्ट्रिक जो स्लेट है ना वो यूज़ कर रही हूँ मैंने अभी ऑर्डर करके मंगवाई थी बिकॉज़ पेपर की वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर आप पेपर यूज़ करते हो और इतनी सारी जो रद्दी है ना वो इकट्ठी हो जाती है जिसका कोई यूज़ भी नहीं आता है एट दी एंड बिकॉज वो सब रफ वर्क ही होता है ऑलमोस्ट मैं जो है ना वो जो थोड़े से ब्लैक पेजेस वाली नोटबुक आती है वो यूज़ करती थी पहले बट फिर मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिक स्लेट है वही मंगवा लूँ ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी यूज़फुल थी ये मैंने आज मैंने फर्स्ट टाइम ही इसने यूज़ करी थी मैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज इंस्टेंटली आपका जो कोई भी पेपर वेस्टेज है ना वो नहीं हो रहा है बेसिकली सो so इस और इसमें प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज ऑलमोस्ट आप स्पीड uh, में लिख भी पाते हो और साथ में जैसे आपका जो भी आपने लिखा है आप इजिली इरेज भी कर सकते हो जीरो वेस्टेज है इसमें बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स की मैं है ना मेरे नोट से कर रही हूँ जो नोट्स हैं मैंने खुद नहीं मेरे बनाए हैं शॉर्ट नोट्स और काफी लोग इसका पीडीएफ भी मांग रहे थे कि आप पीडीएफ की फॉर्म में दे दो पहली बात तो यार मुझे इतना पी बनाना ये सब नहीं आता है सच्ची बताऊँ तो वीडियो भी है ना मैं थोड़ी बहुत जैसी एडिट मुझसे होती है मैं वैसी कर लेती हूँ या फिर थोड़ी बहुत मेरी भाई की हेल्प ले लेती हूँ तो मैं इतनी टेक्निकल अच्छी नहीं हूँ मुझे पी डी एफ ये सब बनाना नहीं आता है सेकेंड थिंग ये है कि uh, मैं टेलीग्राम पर भी नहीं हूँ एंड थर्ड थिंग इज की नोट्स है ना वो आप प्रेफर करो कि आप खुद ही बनाओ यार आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है या फिर इसका मतलब कि आपको वो एकदम बस आपको एक दिन आप पढ़ भी लोगे ना उसे तो बाद में आपको काम नहीं आएगा वो एट दी एंड आप अपने खुद नोट्स बनाओ एन ले लो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं आप नोटबुक में भी नोट्स बना सकते हो इस तरह के अलग शीट पे भी यूज कर सकते हो और आप साथ के साथ है ना लिखते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हो इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा उसे बाद में और किसी और के नोट्स मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जैसे कि ये नोट्स देखो मैंने इस तरीके से बनाए मतलब एन में जो भी इंपॉर्टेंट है ना आप सब उस नोट्स में लिख दो बिकॉज एन में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई है केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो इसके बाद मैंने थोड़ी सी टी देखी और मैं टॉम एंड जेरी वाला जो शो है ना बचपन में देखते थे वो मैं देख रही थी अभी यूट्यूब पे लगा के बिकॉज यार मन कर जाता है कभी कभी कार्टून देखने का वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कार्टून नहीं देखती बट आज मेरा मन हो गया था इसके बाद मैंने जो है ना इसका फिज़िक्स स्टार्ट कर दी थी विच इज़ मोशन इन वन डी वाला जो चैप्टर है वो बिकॉज अभी स्टार्टिंग से मैं फिजिक्स फिर से कर ही रही हूँ और कुछ चैप्टर मेरे एक दो फिज़िक्स में हो भी चुके हैं और इस चैप्टर भी ये चैप्टर भी हो चुका था बट इसकी रिविजन मेरी जो है ना वो करनी बाकी थी सो so, मैंने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया अगेन मैं मेरे नोट्स है ना वही यूज़ कर रही हूँ सो मैंने बताया ना नोट्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप क्लास के साथ जो नोट्स बनाते हो ना वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं बिकॉज एक लेक्चर से आपके ना चार से पाँच छः शीट्स जो है ना वो भर जाती है तो आप वो वाले नोट्स अगर आप पढ़ते हो ना तो एट दी एंड वो एक मतलब एक चैप्टर जो है ना ऑलमोस्ट हाफ नोटबुक में कंप्लीट होता है लेकिन अगर आप इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाते हो ना यानी कि सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आपने लिख लिया या फिर कोई एक क्वेश्चन है या फिर एक पैटर्न है जिसपे क्वेश्चन हर साल आ रहा है वो आपने उस नोट्स में लिख लिया और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्मूला है या फिर फार्मूला शीट भी जिससे बोलते हैं बेसिकली ये फार्मूला शीट ही है फिजिक्स में तो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आप वो यहाँ पे लिख सकते हो और इसी के साथ जो है ना मेरा डे जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था जिसमें मैंने आज टेस्ट भी दे लिया और जो भी मुझे रिविजन करनी थी मैंने वो सब कर ली एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज होप यू लाइक दिस सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय